हेलो एंड वेलकम टू नेक्स्ट एपिसोड ऑफ सेक्रो शैडोज डाइट वाइस। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने आशीना रेजरवायर वाला जो एरिया था वो क्लियर करवा लिया था, और अब बारी है आशीना कासल को इन्फिल्ट्रेट करने की। बट बात यह है कि ये जो एरिया है आशीना कासल का और उसके इर्द गिर्द वाला या बैक साइड वाला वो काफ़ी सारी जगहें हैं, तो इस एपिसोड में हम लोग मोस्टली उन एरियाज़ को क्लियर करवा लेंगे। मतलब बात यह है कि लूट इकट्ठी कर लेंगे और फर्स्ट टाइम जैसे एनिमीज़ को मार रहा होता है वो मार लेंगे, और नेक्स्ट एपिसोड में फिर जो है हम लोग अपनी जो मिनी बॉस फाइट है आशीना कासल के टॉप पर और मेन बॉस फाइट है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो बहरहाल स्टार्ट करते हैं, और ये वो जगह है जहाँ पे हमने उस जनरल से फाइट की थी। तो पहले ज़रा इनको साफ करते चलें। नाइस। और यहाँ पर वो नीचे एक एनपीसी है, उससे चल के बात करते हैं क्योंकि उसको हमारी हेल्प की जरूरत है। दन्ना, कोनो शिरो नो सामुराई जा नाई मिताई दा ना। शिनोबी, सोरे मो कानारी नो तेदारे तो मिता। ओ। याप्पारी का। दत्तारा यो, कोनो अतारी नो सामुराई दोमो वो दामारासे जा कुरेने काई। चीतो 下手こいちまってな。しつこく追われて参ってるんだ。まったく。アシナの真面目侍どもめ。俺なんか追っかけてる場合じゃないだろうによ。オールライト。 बेसिकली इसने यहां से एस्केप करना है, बट सैमुराइज के यहां पे होते हुए ये यहां से भाग नहीं पा रहा, तो हम लोगों ने इस एरिया को क्लियर करवाना है, जो कि हम लोगों ने वैसे भी करवाना ही था, तो साथ में ये काम भी हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि ये बंदा यहाँ से निकलने के बाद एज अ मर्चेंट हमें मिलेगा, और इससे एक इम्पोर्टेंट आइटम गोल्ड सीड हम बाय कर सकेंगे। अबे कुत्ते साले, आओ। ऑलराइट, ये जगह क्लियर हो चुकी है, तो चल के ज़रा उससे पहले बात कर लें और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अन्ना, सोतो नो तेदारे नंदा ना, तास्कत्ता ज़े, याक्सुक नो लेदा, उके दोत्ते कुन्ना। जा ना दन्ना, एंगा आलेबा, माता आओ ज़े। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसी दिन हमारे पास जो है वो क्रॉस करेंगे, बल्कि अभी हम मिलते हैं थोड़ी देर में। So, let's continue. Very good. Okay. तो यहाँ पे जो है वो निंजास वगैरह हो सकते हैं ऊपर छत पे, वही है। बट पहले यहाँ पे से जो पिक करने वाले आइटम हैं वो कर लें। आ बच्चे, तुम भी आ जाओ। ओके, और अब चल के जरा इन ऊपर निंजाज से डील किया जाए। अबे साले, काफी डैमेज कर सकते हैं ये लोग। आओ आओ बच्चों। वेरी नाइस। तो क्या नीचे कुछ है, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि यहाँ पर से मैं कोई भी आइटम मिस कर जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट एक अपग्रेडिंग मटेरियल होना चाहिए अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। सिरेमिक शार्ड, ऑफ कोर्स ये वो चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे निंजा मौजूद है। बेसिकली इनको अग्रेसिवली डील करना ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज ये काफ़ी डैमेज कर सकते हैं। ओके,
यहाँ पे वैसे या कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए थी ऐसी जो कि मतलब अपग्रेड मटेरियल के तौर पे काम आती है हमारे, स्क्रैप मेटल या गन पाउडर, उनमें से कोई ना कोई एक चीज़। तो मैं बेसिकली उसको ही ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ और वो मिल नहीं रही है। ओके, यहाँ पर भी नहीं है। ओके, देखते हैं, मैं भी आ गया हूँ, मुझे गलत फहमी हो रही हो, बट मुझे लगता नहीं है कि ऐसा है। वाकई सीरियसली, कम ऑन बेबी, ऐसे नहीं करते। चलो कोई ना, चलते हैं आगे, चल के जरा इसे मारें। और यहाँ ऊपर दो सैमुराइज और हैं। इसे मार। वेरी नाइस। ऑलराइट, सो ये रहा पैलेट। या मुझे लग रहा है कि मैं एक चीज पीछे छोड़ आया हूँ, बट इट्स ऑल राइट, देखी जाएगी, अब जो होना था वो हो चुका। आओ बच्चे, तुम नीचे आ जाओ। या ये बड़ी खराब चीज है। आओ, ये उन निंजास का भी एक स्टेप आगे वाला है। या देखा, मेरे ख्याल से एक या दो हमें मजीद ऐसे देखने को मिलेंगे, बट बहरहाल फिलहाल यहां से ऊपर चलें। यहां पे एक और निंजा है, सुकून से जरा चल के इसे मारते हैं। वेरी नाइस। हेलो, आओ बच्चे, कम ऑन। इस बंदे को स्नेक अटैक मारते चले। आओ बच्चे, तुम भी आ जाओ। आओ, मस्त चल रहे हैं हम लोग। ओके, और मेरे पास एंटीडोट पाउडर भी नहीं है, तो इसका मतलब है पॉइजन अच्छा खासा डैमेज करेगा मुझे। बट इट्स ऑल राइट, जो होना था वो हो चुका, अब क्या कर सकते हैं, गलत जगह पे फंस गए थे हम लोग। हद हो गई। तो अब बेसिकली हम लोग एंटर कर सकते हैं कासल में। नाइस। ओके, तो इस धमाके की वजह से वो लोग मारे जा चुके हैं। सिंपल, इनका ये पिक करें और वापस चले अंदर। और यप, ये चाहिए था हमें। और बेटा सेकंड, छोड़ दे भाई दीवार को। यहां से हमें मेरे ख्याल से गोल्ड सीड मिलेगा। यप, और इस आइडल को जरा अनलॉक करें और यहाँ पे रेस्ट करते हैं। और यहाँ से मज़ीद क्या करना चाहिए हमें, डायरेक्टली यहाँ पे चलें या चलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो निंजाज हैं
ये काफ़ी टफ हैं और अल्टीमेटली जो हैं वो ये एक्सपीरियंस पॉइंट पे काफ़ी अच्छे देते हैं हमें। तो ये एक और अच्छी जगह है फार्मिंग की। या वैसे हमारे पास 3 स्किल पॉइंट्स हैं, तो ज़रा वापस चलते हैं यहाँ पर और स्किल्स हम कौन सी बाय कर सकते हैं यहाँ पे। या तो मैं ये ले रहा हूँ ताकि नेक्स्ट में ये प्रोजेक्टेड फोर्स बहुत काम की स्किल है ये बाय कर सकूँ और रेस्ट भी कर लूँ ताकि ये सारा जो सिनेरियो मैं अभी निंजा को मार के आया था वो रीसेट हो जाए। तो बेसिकली इस जगह को अगेन हम लोग फार्मिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत मतलब सही अच्छी जगह है ये फार्मिंग की, लेकिन एवरेज जगह बोली जा सकती है। सो नेक्स्ट हमें जाके मारना है इस निंजा को, निंजा है या सैमुराई है जो भी है। उसके बाद इस बुढ़ियामा का नंबर और उसके बाद जाके मारना है यहाँ पे जो सैमुराई है उसे। और नेक्स्ट रूम के अंदर जो है वो 2 सैमुराइज हैं, एक को मारेंगे स्नीक अटैक से और दूसरे से हमें फाइट करनी पड़ेगी। ओह ऑलमोस्ट, ये भी मिनी बॉसेस से कम नहीं है क्योंकि ये अच्छा खासा डैमेज करते हैं हमें और जो पैरेलस अटैक है थ्रस्ट अटैक वो भी मारते हैं। बट बहरहाल यहाँ पे ये हिडन चेंबर है, यहाँ से हमें मिलेगी एक प्रेयर बी और उसके अलावा 2 कॉइन पर्सिस हैं यहाँ पर, एक ये और एक यहाँ पर ये छुपा हुआ है। और उसके बाद हमें ज़रा छत पर जाना है नेक्स्ट रूम को क्लियर करवाने के लिए यहाँ पर। वेरी नाइस, और यहाँ पर से ज़रा सुकून से आएंगे इधर और इस बुढ़ियामा को मारेंगे एक शुरिकन। कोई नोटिस नहीं करेगा इसको, इतनी गलत बात है। और नेक्स्ट एक स्नेक अटैक यहाँ पर और उसके बाद फ़ौरन से पीछे आके फाइट करेंगे इससे ताकि जो पीछे वाले रूम में 2 सैमुराइज हैं वो यहाँ पे ना आए, क्योंकि इनसे अकेले अकेले फाइट करना ही काफ़ी मुश्किल है। तो 3 अगर इकट्ठे हो गए तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वेरी नाइस, ज़रा इसको ओपन कर लें और उसके बाद नेक्स्ट रूम में चल के हमने 2 सैमुराइज को मज़ीद मारना है। तो अगेन एक को हम स्नीक अटैक से मारेंगे और दूसरे से फाइट करनी पड़ेगी। ओके अच्छे, इतनी जल्दी मार दिया तुमने। ओ अबे इतनी जल्दी, वेल कोई बात नहीं। वेरी गुड, तो अभी हमने कंटिन्यू करना है यहाँ से आगे, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा ये यहाँ वाला जो है ये आइडल अनलॉक करवा लूँ ताकि बाद में मुझे यहाँ पे ट्रैवल करने में आसानी हो। रेस्ट नहीं करूँगा मैं यहाँ पे, जस्ट सिंपल इसे एक्टिवेट करेंगे। इस डोर के पीछे हमारा एक मिनी बॉस मौजूद है पर इस एपिसोड में उससे फाइट नहीं होगी। どう呼ばれています。あれがアシナの秘策だというのですか。はい、飲んだものは生中には死なない、いえ死ねぬようになります。そして落ち水もまた。その源は流飲にあるというのだな。はい、エマ殿、私には流飲が尊いものだと。हाँ ये बात तो सही है कि भाई इसके अंदर सेक्रेट जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ये कंज्यूमर्स के जो दिमाग हैं उनको करप्ट कर देती है। बट ज़रा इनको यहाँ पे बुलाते हैं, आओ बच्चों आओ ज़रा डांस करें। ओके अब ऐसा लो, तो एक मिनट लोरो,
ओके, तीन जो है ना काफी काम खराब कर रहे हैं। वेरी गुड। अच्छा ओके, तीन नाइट चार निंजास एक साथ, या ये काफी डिफिकल्ट था बट वी आर गुड नाउ। और एक आइटम होना चाहिए यहां पर ऊपर। ऑलराइट, इशिन्स लेटर। और अल्टीमेटली इसी जगह पर जो है वो इशिन आशीना से भी हमारी मुलाकात होगी, लेकिन वो मेरे ख्याल नेक्स्ट एपिसोड के बाद होगी, जब हम यहाँ पर जो हमारा बॉस है उसको हरा चुके होंगे, मतलब मेन बॉस। नेक्स्ट हम लोगों ने जाना है इस तरफ, वेट अ सेकंड, और यहाँ पे ग्रैपल करेंगे क्योंकि नीचे वो निंजा है, उसको मारेंगे एक स्नीक अटैक। ओके, आओ बच्चे अब तुम्हारी बारी। वेरी नाइस, तो चल के जरा एक और गेट खोलें। बेसिकली ये वो एंट्रेंस वाला डोर है जहां पे हम लोगों ने एक जनरल से फाइट की थी स्टेयर्स के ऊपर। ऑलराइट, और अब चलें वापस। हमें यहां पर से एक शिनोबी टूल पिक करना है, ये वाला। वेरी गुड और नाइस। ओके, और इस गेट को ओपन करते ही हम लोग जो है वो कासल के एक तरह से क्या बोलते हैं बैक साइड पे आ जाएंगे। ऑलराइट, तो यहां से चलें ऊपर। यहां पर एक और एनिमी है शिनोबी हंटर जैसा, ये रहा नीचे, तो इसे मारेंगे सपोर्ट से इस तरह। वेरी गुड, और इस आइडल को मैं जरा यहां से जस्ट एक्टिवेट कर रहा हूं, और यहां पे फिलहाल जो है मुझे रेस्ट नहीं करना है। यहां पर एक आइटम है, यस ये पिक कर लें, और उसके बाद जस्ट यहां पर से इस बंदे से बात करनी है। मैं इस एरिए को क्लियर नहीं करवा रहा, इस एरिए को क्लियर जो है वो हम लोग अपनी नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। だから よせつったんだけどな、まったくしつこくって嫌になるぞ。めんどくせえ。うん？おめえは豊かの衆か？いいよ。まあそうだろうな。風情がちげえ。だがどうやら同業だ。俺は黒笠のムジナ。おめえは？愛想のないこった。しつこいおってに仏頂面の忍び、アシナの連中も外で騒いでな。まったくいい日だね。お主、抜け人か？まあそんなところだ。ところでよ、ちっと銭が入りようなんだが、品はあれど裁くあてがねえ。おめえみてえなやつを待ってたところだぜ。Alright, so basically एक तरह से इसकी side story या quest भी हम लोग follow कर सकते हैं, और वो तभी होगा जब हम इसके ये सारे के सारे items जो हैं वो इससे buy कर लें। तो basically main item जो हमें इससे चाहिए वो ये है, और ये एक बहुत ही काम का शिनोबी टूल है। और उसके अलावा एंटी एयर डेथ ब्लो टेक्स्ट, एक तरह से ये भी पैसिव स्किल है जो कि हमें यहाँ से बाय करनी पड़ेगी, और ये बहुत ही काम की स्किल है। वेल अगेंस्ट कुछ स्पेशल एनिमीज के जिनको जंप करना बहुत अच्छा लगता है, और चल के इनको बाय कर लेते हैं। और ये भी हो गया। ऑलराइट, और बेसिकली दो चीज़ें ये रह गई हैं, तो मुझे 160 कॉइन और चाहिए। ज़ेनी का तमरु मदेवा कोकोनी इरु करायो।
気が向いたらまた寄ってくれや。ऑलराइट, तो जरा इन्वेंट्री ओपन करें और यहां से हमें दो लाइट कॉइन पर सपने खर्च करने हैं। このネグラは全く具合がいいぜ。次から次へと客が来る。まあ、銭落とす方の客なら歓迎だ。あばよ。Sorry, actually どうない?3करने थे。Yeah. Yo, mat. So, no. ये चाहिए. Very nice. अब यो. तो अब क्योंकि हमने सारा कुछ इससे बाय कर लिया है, तो अब ये यहाँ से चला जाएगा और हमें एक और जगह पे मिलेगा जाकर. But. So, वापस चलें यहाँ से. और अब हमें फॉलो करना है ये ब्रिज वाला पाथ. और इस ब्रिज के पाथ पे एक बहुत ही ज़रूरी डायलॉग है उस मर्चेंट जो हमारा दोस्त है उसके क्वेस्ट को आगे कंटिन्यू करने के लिए। शियों का तरानु तो मूस का। हे, कूनो वा मोचरुन देसु गा, किज़ुगुची या होतोके सान नो कियोमे नी मो इरियो देशते। कोरे दाके हितोजिनी गा सुज़ुइते वा, तोयू कोतो जाना। हे おかげで戦場病にかかる者も多ございます。そうか、なんとかして塩を手に入れねばな。 Yeah, तो basically इन लोगों को नमक की जरूरत है और ये information हम लोग जाके देंगे उस merchant को, तो वो again इसको बेच के जो है profit कमाएगा और फिर उसके शॉप में मज़ीद जो चीज़ें हैं वो ऐड हो जाएंगी, स्पेशली अनलिमिटेड जो है वो स्क्रैप आयरन और गन पाउडर जो कि बेसिक अपग्रेड मटेरियल्स हैं हमारी जो टूल्स हैं उनके स्टार्ट की अपग्रेड्स को करने के लिए। तो इस वजह से ये डायलॉग सुनना बहुत ज़रूरी था। अगर ये हमने ना सुना होता तो हम फिर उस मर्चेंट का जो क्वेस्ट है वो आगे पूरा ना कर सकते। बट बहरहाल ये हो चुका और मज़ीद ये बैक साइड वाला एरिया जो है वो क्लियर करवाते चलें। और ये लास्ट एरिया है जो कि हम लोग इस एपिसोड में पूरा करेंगे। बेसिकली यहाँ पे क्लियर करवाने वाला कुछ भी नहीं है, जस्ट एक आइटम है यहाँ पर फ़िलहाल और एक आइडल है। तो अगेन ये जस्ट मैं इसलिए आके एक्टिवेट करवा रहा हूँ ताकि बाद में यहाँ पर मैं फास्ट ट्रैवल कर सकूँ। बाकी यहाँ पे बेसिकली करने जितना कुछ नहीं है। ऑलराइट, तो फिलहाल जो है वो चलते हैं यहाँ, चल के अपने उस मर्चेंट से बात करते हैं और उसके बाद वापस जाएंगे हम लोग अपने टेंपल में, क्योंकि हमारे पास दो टूल्स हैं जो कि हमने क्रिएट करवाने हैं और मे भी हम लोग अपने कुछ टूल्स जो हैं वो अपग्रेड करवाने के काबिल भी हों।侍たちが欲しがっているもの、分かったぞ。本当ですかい、旦那。ああ、塩が足りぬようだ。なるほど、塩か。食うのはもちろん、死人の清めや怪我にも使う。戦場で死体が腐れば、流行り病も道理ってわけだ。みんな塩がなくて困り果ててる。あいつは儲け時ですね。なに、塩があれば助かるものが多い。多少高く売っても罰は当たらぬでしょう。そうと決まれば塩を工面せねば。旦那、ありがとうございます。じゃあな旦那、塩がうまく売れたら新しい品を仕入れやす。その時はぜひごひいきに。Alright, तो जब next time हम लोग अब rest करके इससे बात करेंगे तो इसकी shop में मज़ीद वो items आ चुके होंगे और उसके बाद वो हमें last अपना task हमें देगा कि उसे help करने के लिए basically क्या चाहिए। But मैं सोच रहा हूँ कि मज़ीद इस episode को फ़िलहाल जो है वो लंबा नहीं करते, क्योंकि again इसके dialogue में कुछ time लग जाएगा। So next episode में
हम लोग जब यहाँ पर आएंगे तो पहले आके इससे बात करेंगे, इससे जो न्यू आइटम्स होंगे लेने वाले हमारे टूल्स को ऑपरेट करने के लिए वो इससे लेंगे, और उसके बाद जाएंगे टेंपल, जाके हमारे जो टूल्स हैं नए क्रिएट करने वाले वो क्रिएट करेंगे, और जो अपग्रेड करने वाले होंगे वो अपग्रेड करेंगे, और उसके बाद फिर मोस्टली आशिना कासल के जो वो जो लास्ट एरिया रह गया है उसको जाके क्लियर करवाएंगे, और उसके बाद फिर हमारी एक मिनी बॉस फाइट और एक स्टोरी बॉस फाइट होगी। तो काफ़ी एक्साइटिंग होगी हमारी नेक्स्ट एपिसोड, सो स्टे ट्यून्ड और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।